देखिए, आज मैं आप लोगों को जो है बेसिक इंग्लिश की जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश जिसकी स्पेलिंग होती है ENGLISH, इंग्लिश क्या है? अंग्रेजी में हम कहते हैं व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है तो मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश एक भाषा है। आप समझिएगा, इंग्लिश क्या है? भाषा है। आप कह सकते हैं इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, LANGUAGE। तो इंग्लिश एक भाषा है। तो अब आपके मन में एक विचार पैदा हो रहा है कि भाषा क्या होता है, व्हाट इज ए लैंग्वेज, भाषा क्या है, भाषा किसको कहते हैं। मैं इस चीज को आपको बताना चाहता हूं, इसको और सिंप्लीफाई तरीके से, कि भाषा एक विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। और सरल शब्दों में कह लीजिए कि जिस माध्यम से हम अपने भावों को, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ जो है शेयर करते हैं, वही हमारी भाषा है। और आप अंग्रेजी में इसको कहेंगे इंग्लिश इज ए मीडियम By which we share our idea and thought। मैंने आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से मैंने आपको डिफाइन किया है कि भाषा विचारों, भावों, अपने दिल की बातों को एक दूसरे से जिस माध्यम से हम शेयर करते वो हमारी भाषा है। अगर हम अपने दिल की बात को, अपने मन की बात को, अपने भाव को अगर हिंदी में व्यक्त करते हैं तो समझिए वो हमारी हिंदी भाषा है। और अगर उसी को हम अंग्रेजी में अगर व्यक्त करते हैं तो अंग्रेजी हमारी भाषा हो गई। और उसी को अगर हम संस्कृत या उर्दू में अगर हम शेयर करते हैं तो संस्कृत हमारी भाषा हो गई। तो हमें आशा है कि आप भाषा की परिभाषा आप समझ गए होंगे। अब आपको हम थोड़ा सा आगे और ले जाना चाहते हैं कि किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अंग्रेजी में आप बोलो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। एक बार फिर से आप सुनिए, पे अटेंशन व्हाट आई से। आप कहिए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। ये हमारा प्रश्न है, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इसका उत्तर होता है किसी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है बच्चों, वो होता है अक्षर। इसको आप अंग्रेजी में आप लेटर लिखते हो, लेटर। लेटर का मतलब होता है अक्षर।
अब आपके मन में यह भाव पैदा हो रहा है कि अक्षर, तो अक्षर, अक्षर का मतलब होता है जो कभी क्षय ना हो। आप को हम बता दें कि आपको बताया कि लेटर LETER, बच्चों आप जान जाओ कि इस लेटर का दो अर्थ होता है, एक लेटर माने अक्षर होता है और एक लेटर का मतलब होता है पत्र। तो अब आप के मन में यह भाव आ रहा होगा कि अक्षर क्या है, तो अक्षर का मतलब होता है, बड़े सरल शब्दों में आप कह लीजिए, अक्षर जो कभी क्षर ना हो। आप कहेंगे क्षर क्या है, क्षर माने होता है नष्ट ना हो, डिस्ट्रॉय आप अंग्रेजी में कहते हैं, कि जो कभी नष्ट ना हो उसको हम अक्षर कहते हैं। तो अक्षर, अब इसका आपको हम परिभाषा बता दें कि अक्षर किसे कहते हैं। तो आप परिभाषा जान जाइए कि मुंह से निकले हुए अखंड ध्वनि को हम अक्षर कहते हैं। एक बार आप फिर सुनिए, मुंह से निकले हुए अखंड ध्वनि, अखंड का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो खंडित ना हो, जो टूटे ना। मुंह से निकले हुए अखंड ध्वनि को अक्षर कहते हैं। तो मैंने आपको डिफाइन किया है अक्षर की परिभाषा। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जो उससे बड़ी काई होती है अक्षर के बाद की, वो होता है वर्ड। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। वर्ड जो अक्षर से बड़ी काई होती है, तो वर्ड का मतलब होता है शब्द। वर्ड माने क्या होता है, शब्द। अब आप सोचेंगे कि शब्द क्या है, तो इसकी परिभाषा आपको हम बता दें कि शब्द अक्षरों के समूह को जिनका कुछ भाव हो, अर्थ हो, उन्हें हम शब्द कहते हैं, अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं। अक्षरों, एक बार और आप सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, पे अटेंशन, व्हाट आई से, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ भाव हो, कुछ अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं। अब आपको अंग्रेजी में हम डिफिनेशन दे दें, आप नोट करिएगा। ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव सम सेंस सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ए ग्रुप ऑफ, देखिए ये शब्द है, लिखा है WORD, क्या होता है बच्चों, क्या लिखा है, WORD, एक बार साथ बोलिए, WORD, वर्ड माने क्या होता है, शब्द। और एक वर्ड और होता है बच्चों,
ए होता है डब्लू ओ आर एल डी, डब्लू ओ आर एल डी, इस वर्ड का मतलब होता है संसार। आप दोनों शब्दों को जानिए, ए होमोफोन्स है तो वर्ड माने क्या होता है शब्द। शब्द किसको कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव सम सेंस इज कॉल्ड वर्ड। आप समझिएगा कि अक्षरों का ऐसा समूह जो कुछ भाव देता है, जो कुछ अर्थ देता है, उसी को हम शब्द कहते हैं। अब आपको हम उदाहरण दे दें कि जैसे हमने लिख दिया कि सी ए एम ई एल, मैंने लिखा है सी ए एम ई एल कैमल। कैमल माने क्या होता है? ऊंट होता है। आप देख रहे हैं कि यहां पर कितने अक्षरों का समूह है, सी ए एम ई एल, यहां पर पांच अक्षर, पांच अक्षरों का समूह है, इसलिए ये यह एक शब्द हो गया। लेकिन अगर हम लिख दें हम पी सी डी बी के, आप पूछें आपसे बताइए इसका क्या मतलब है, तो आप यहां भी तो अक्षरों का समूह है पी सी डी, यहां भी तो पांच अक्षर हैं, तो क्या इसको भी हम शब्द कहेंगे? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? कि भाई शब्द का जो परिभाषा है उसको पूरा करने के लिए दो शर्तें होती हैं, एक तो वह शब्दों का समूह हो और दूसरा उसका कुछ भाव हो, उसका कुछ अर्थ हो। अगर यह दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है तभी इसको हम शब्द कह सकते हैं। यहां जो मैंने पहला एग्जाम्पल आपको दिया है कैमल का, यहां ये इट इज कंप्लीटिंग बोथ कंडीशन, इट इज गिविंग ए सेंस एंड आल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड। लेकिन दूसरा जो आपका ये है, ये केवल हमारे एक शर्त को पूरा कर रहा है कि शब्दों का समूह तो है। देखिए पी सी डी कुल मिला करके जो है पांच शब्द हैं, तो समूह तो हो गया ये, लेकिन या कोई भाव, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए हम इसको शब्द नहीं कह सकते। तो आप, हमें आशा है कि आप एक जो परिभाषा है वर्ड की आप इसको समझ गए होंगे। अब इससे आगे हम चलते हैं, इससे बड़ी जो आपकी इकाई होती है वो होती है सेंटेंस। स्पेलिंग आप नोट करिएगा एस ई एन टी ई एन सी ई। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। तो आपके मन में एक काइंड ऑफ आइडिया इज क्रिएटिंग इन योर माइंड व्हाट इज सेंटेंस। आपके मन में एक प्रकार का विचार पैदा हो रहा होगा कि वाक्य क्या है। तो आपको हम बता दें कि वाक्य, बच्चों वाक्य का मतलब होता है, वाक्य कैसे बनता है, वाक्य किसको कहते हैं, ये सारी चीज आपको जानना है। तो वाक्य सबसे पहले आपको हम बता दें वाक्य बनता कैसे। वाक्य शब्दों से बनता है। कैसे बनता है? शब्दों से। और इसकी परिभाषा होती है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले। क्या होता है? नोट करिएगा, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले।
जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले उक कहते हैं। अब एक बार देखिएगा आप कि शब्दों का एक ऐसा समूह, समूह मतलब आप समझ रहे होंगे, समूह का मतलब होता है गैदरिंग, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले, पूरा पूरा भाव दे, अर्थ दे, मीनिंग दे, सेंस दे, उसी को हम वाक कहते हैं। अब आपको हम अंग्रेजी में बता दें परिभाषा, नोट करिएगा, सेंटेंस की डिफिनीशन, ए ग्रुप ऑफ, नोट करिए आप, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ हो, जिसका पूरा पूरा भाव निकले। अब आपको हम उदाहरण दे दें, उदाहरण के माध्यम से आप और अच्छे तरीके समझ जाएंगे। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा है एग्जाम्पल के लिए कि मोहन इज स्टैंडिंग ऑन द वॉल, मोहन इज स्टैंडिंग ऑन द वॉल, या एक बेटा बच्चों या एक वाक्य है। अब आप देख रहे हो कि यहां पर शब्दों का एक समूह है। देखिए, मोहन एक शब्द है, इज एक शब्द है, स्टैंडिंग शब्द है, ऑन है, द है, वॉल है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर शब्दों का एक पूरा एक समूह है और इसका पूरा पूरा जो है अर्थ भी निकल रहा है, पूरा पूरा भाव भी दे रहा है, इसलिए इसको हम वाक कह सकते हैं। इट इज गिविंग ए कंप्लीट सेंस एंड इट इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड, इज इट फुलफिलिंग ए बोथ कंडीशन, सो वी कैन से इट ए सेंटेंस। अब आपको एक और उदाहरण देते हैं हम। ऐसे मैंने लिख दिया बुक, पेन, काइट, मोहन। यहां भी आप देख रहे हैं कि एक दो तीन चार, यहां भी तो शब्द हैं, चार शब्द हैं, लेकिन क्या इसको कैन वी से इट ऑल्सो ए सेंटेंस, क्या इसको भी हम एक वाक्य कह सकते हैं? आप कहेंगे नो, वी कैन नॉट से इट ए सेंटेंस, हम इसको एक वाक्य नहीं कह सकते। क्यों? वाई? क्यों? बिकॉज इट इज नॉट फुलफिलिंग बोथ कंडीशन, ये हमारे दोनों शर्तों को नहीं पूरा कर रहा है। इट इज कंप्लीटिंग आवर ओनली वन कंडीशन, ये केवल हमारे एक शर्त को पूरा कर रहा है। वो क्या शर्त है? कि केवल ये शब्दों का एक समूह है, बट इट इज नॉट गिविंग कंप्लीट सेंस, लेकिन इसका पूरा पूरा भाव, पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको हम एक वाक्य नहीं कह सकते। तो
आपको हमने इस तरीके से, आपको हमने भाषा की सबसे छोटी इकाई से परिचय कराया, उससे बड़ी इकाई वर्ड से परिचय कराया, उससे बड़ी इकाई सेंटेंस से परिचय कराया। अब आपके मन में यह भाव पैदा हो रहा होगा, एक काइंड ऑफ आइडिया विल बी क्रिएटिंग इन योर माइंड, एक भाव आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको हम बता दें कि जो है काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। आप काइंड्स माने होता है प्रकार, और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। दोनों को आप ऐड करोगे तो पाओगे वाक्य के प्रकार। तो आप यू मस्ट नो दैट देयर आर थ्री काइंड ऑफ सेंटेंस। आपको ये जानना चाहिए कि वाक्य जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन? सिंपल, पहला है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये तीन प्रकार के जो वाक्य होते हैं। अब आपके मन में ये भाव आना भी चाहिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस को हम लोग हिंदी में, सिंपल का मतलब होता है सरल, कहेंगे आप इट इज वेरी इजी वर्ड, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। सिंपल माने इजी, सरल, आसान, सरल वाक्य। अब आपको हम परिभाषा बता देंगे, आप सोचेंगे सरल वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य क्या होता है। तो सरल, सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य किसको कहते हैं, आपको जानना चाहिए। तो अब आपको हम बता रहे हैं कि सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें केवल वन फाइनाइट वर्ब होती है। जिस वाक्य में, परिभाषा आपको बता दें सरल वाक्य का, कि सिंपल सेंटेंस की परिभाषा आप नोट करिएगा, सिंपल सेंटेंस जिस वाक्य में केवल एक मुख्य क्रिया हो, मुख्य क्रिया जिसको आप मुख्य क्रिया को अंग्रेजी में आप कहते हैं फाइनाइट वर्ब, FINITE फाइनाइट वर्ब। जिस वाक्य में केवल एक मुख्य क्रिया हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में केवल एक मुख्य क्रिया हो, वन फाइनाइट वर्ब हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए जो है, एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि जैसे प्रभा रीड्स इन क्लास एक्स,
एक उदाहरण मैंने दिया है कि प्रभा रीड्स इन क्लास एक्स, प्रभा कक्षा 10 में पढ़ती है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें, तो आपको हम बता रहे हैं कि सरल वाक्य क्या होता है। मैंने एक उदाहरण भी आपको दिया है कि प्रभा रीड्स इन क्लास एक्स। देखिए इस वाक्य में ये जो प्रभा है ये आपका सब्जेक्ट है, और ये जो रीड्स है ये आपकी जो है, यही आपकी जो है फाइनाइट वर्ब है। ये रीड्स तो मैं इंडिकेटिंग कर रहा हूँ, ये आपकी फाइनाइट वर्ब है, यही आपकी फाइनाइट वर्ब है। तो आप देख रहे हैं कि इसलिए इस वाक्य को जो है हम सरल वाक्य कह सकते हैं। आपको और एग्जांपल हम दे दें और अच्छे समझने के लिए, जैसे दे हैव ब्रोकन द चेयर। मैंने एक वाक्य लिखा है कि दे हैव ब्रोकन द चेयर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, जो दे प्रोनाउन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जितने भी नाउन और प्रोनाउंस होते हैं वे सब्जेक्ट का काम करते हैं, और ये जो है ब्रोकन जो है ये आपकी जो है फाइनाइट वर्ब है, इसलिए इसमें भी वन फाइनाइट वर्ब है, इसलिए यह भी सरल वाक्य है।